सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और शुभकामनाएं गणपति बप्पा मोरिया। हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा हमारे पास आए हैं और हमारी खुश नसीबी है हम उनका थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं, तो बहुत खुशी है मन में। पूरा परिवार बहुत खुश है उनके स्वागत के लिए। पूरे फैमिली परिवार और हमारे सब दोस्त लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये गणमय माहौल है और क्या कहना। बस मैं यही कहूँगी कि जो तुमने बोला कि थोड़ी सेवा नहीं, संगीता मैंने हमेशा देखा हर साल बहुत दिल से, बहुत मन से, बहुत श्रद्धा भाव से बप्पा की सेवा करती है। और हर साल हमको एक फ़ायदा होता है, हम सब दोस्तों को चाट पार्टी पे बुलाती है, तो हम हर साल चटोरे लोग चाट खाने के लिए ज़रूर आते हैं। दर्शन तो पप्पा के होते हैं, लेकिन ये भी ना, जिससे हम दो दो बार ना आए घर पे, इसलिए ये लास्ट दिन मैसेज करती है कि आज आना है चाट पार्टी है। हाँ, यस, करेक्ट करेक्ट। दो मैसेज में, एक मैसेज में मास्टर जी भी आए हैं। हाँ, मैं एक बार दो बार आ चुकी हूँ, इसलिए मतलब दो बार नहीं आने का, एक ही बार आने का। मैं बहुत बिजी रहती हूँ। सब ऐसे ही, तो मजाक की बात है कि मास्टर जी भी आए हैं और हम सब बहुत अच्छे से बप्पा की आरती करते हैं और साथ में मिलना जुलना भी हो जाता है। बप्पा हमारा प्यार भी ऐसे ही बनाए रखे। हम अभी यही बात कर रहे थे, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है और ये मेरी बहुत ओल्ड और गोल्ड फ्रेंड है, बस हमारी दोस्ती को नजर नहीं लगे किसी की। और बप्पा भी हर साल ऐसे ही, हर साल ही हमें ऐसे ही बुलाए और साल के अलावा भी हम ऐसे मिलते भी रहे और वैसे साल के साल भी मिलते रहे। मास्टर जी भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं तो हर साल बापा के दर्शन करने आ जाता हूँ। संगीता बेटी है, इतने साल से इनके साथ ही सेवा करते हम लोग, इसी बहाने घर आना जाना काफ़ी रहे। फैमिली हमारी एक फैमिली है, तो हम लोग एकजुट होके बापा का सेवा करते हैं। पापा की तरह इनका आशीर्वाद है और हमेशा मेरा कोई भी फंक्शन होता है, चाहे बर्थडे हो, चाहे पापा का आगमन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, घर की बात हो तो सारे घर फैमिली एकदम आशीर्वाद देने हमेशा रहते आते हैं। चलो गणपति बप्पा मोरिया। आने से पहले, गणपति बप्पा के आने से पहले, तो वैसे हम लोग अभी जैसे कि कल पांचवा दिन हो जाएगा, पांच दिन के लिए होते हैं। पांचवें दिन जब हम विदा करते हैं तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग दिमाग में शुरू हो जाती है। उनको इतना हम मिस करते हैं कि भूल ही नहीं पाते हैं और जल्दी से ऐसा लगता है कि बस ये एक साल ख़त्म हो जाए और जल्दी से गणपति बप्पा आ जाए, तो तैयारी तो दिमाग में ही रहती है।
बस जैसा जैसा वो आशीर्वाद देते हैं वैसे वैसे हम लोग पूरा डेकोरेशन करते हैं। इस बार अगर आप पूछोगे कि हमारा थीम क्या है, तो हमारा थीम ये फ्लावर है। फूलों की तरह महकता रहे हमारा जीवन, आपका जीवन, सभी का जीवन, इसीलिए ये फ्लावर का थीम दिया है और गणपति बप्पा का आशीर्वाद दिया है। सभी गणपति भक्तों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जितना हो सके पोल्यूशन से दूर रहिए, पेड़ पौधे उगाइए, पानी का इस्तेमाल कम करें, बचाएं हमारे इन्वायरमेंट को, बचाएं, यही कहना चाहूँगी। आप क्या चाहेंगे? बस हम तो पापा के साथ ही, जहाँ पापा ले जाएगा वहाँ जाएंगे, हम उनकी सेवा करते रहेंगे। कल विसर्जन है, विसर्जन में खूब डांस वांस करेंगे, हमारी पूरी फैमिली डांस करेगी, इसी बहाने सब मिलते डांस करते हैं तो एक खुशी होती है। अभी जैसे कि आपको पता ही है, अभी जो मेरा म्यूजिक एल्बम है बॉलीवुड, वो बहुत ही गणपति पापा के आशीर्वाद से सुपर डुपर हिट हुआ है और फर्स्ट वीक में ही 3 मिलियन क्रॉस हो चुका है। तो उसी तरह से अभी उनके आशीर्वाद से ही कुछ अच्छा सा प्लानिंग कर रहे हैं जो विद इन अ मंथ आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।